जय भूमि प्रणाम दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं देवभूमि मिरर न्यूज चैनल में। और मैं हाजिर हूं चुनावी अपडेट लेकर, सरगर्मियां लेकर। तो इन चुनावी सरगर्मियों के चलते आज वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील शर्मा देवभूमि स्टूडियोज में हाजिर हैं। तो आइए करते हैं उनसे विशेष बातचीत। डॉक्टर सुशील शर्मा, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार है और मैं वार्ड नंबर 10 म्युनिसिपल काउंसिल हमीरपुर से पार्षद पद का प्रत्याशी हूं। मेरा एक ही सपना है कि वार्ड नंबर 10 को एक आदर्श वार्ड के रूप में आप सबके सामने पेश कर सकूं। पेशे से मैं एक चिकित्सक हूं। मैंने अपनी डिग्री जो है वो BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट से की है जी। और मैं पिछले 17 सालों से अपना जो क्लिनिक है वो हमीरपुर में चला रहा हूँ जी। वैसे तो एक चिकित्सक रहते हुए मुझे समाज सेवा का मौका मिला है और मैं समाज को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि एक पार्षद रहते हुए मैं और भी अच्छे तरीके से जन सेवा कर सकता हूँ। मेरा जो एक सपना है कि मैं अपने वार्ड को सभी सुविधाओं से सुसज्जित करूं, जिनमें एक अच्छी सड़क, साफ सुथरे नालियां, पक्की सड़कें और अच्छी स्ट्रीट लाइट देना होगा जी। हमारे वार्ड के कुछ काम जैसे कुछ स्ट्रीट लाइट्स जो टाइम से अभी नहीं जल रही हैं, कुछ इम्प्रॉपर पेज पे लगी हुई हैं जी। और जो प्रॉपर पेज जहाँ पे लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पे लाइट्स नहीं है जी। कुछ जो नालियां हैं वो बंद रहती हैं और कई जगह पे लोगों को सीवरेज के कनेक्शन नहीं मिले हुए हैं जी। तो इस समस्या को प्रायोरिटी बेस पे दूर किया जाएगा। और डॉक्टर साहब, जो आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी उनके बारे में थोड़ा सा और भी बताइए आप दर्शकों जी। मेरी प्राथमिकताएं होंगी, एक तो वार्ड को सड़क से जोड़ना जी, मैं पहले बात कर चुका हूं इस बारे में जी। सीवरेज की समस्या, और एक और अच्छी बात है कि हमारे पास दो जगह पे पार्क के लिए जगह भी मौजूद है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि कोरोना काल में बच्चे सभी घरों में हैं और वो खेल नहीं पा रहे हैं जी, जिनसे उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पा रहा है जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो पार्क है उसमें बच्चे सुबह शाम खेलें और उसमें ओपन जिम की भी व्यवस्था हो जी जी जी। क्योंकि मैंने शहरों में देखा है कि पार्क में ओपन जिम बहुत अच्छे से यूज में आ रहे हैं जी। और बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, बहुत अच्छे विचार आप कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि इस मोबाइल युग में मैदान ना होने के कारण, खेल कूद के मैदान नहीं होने के कारण बच्चे जो हैं मोबाइल गेम्स तक सीमित रह गए और उनका जो विकास है शारीरिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। बहुत अच्छा विचार है। इसके अलावा और कोई प्रायोरिटीज हो आपकी डॉक्टर साहब जी? मेरा मानना है कि अगर हम सभी लोग मिलकर अपने वार्ड के विकास के लिए काम करें और थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करें तो हम अपने वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में एक सबके सामने पेश कर सकते हैं जी। एक हमारी और जो प्रॉब्लम है वो है एक नाला है जी, जो कि हमारे तीनों गांव को जो हमारे वार्ड में पड़ते हैं उनको जोड़ता है जी। लेकिन वो खुला हुआ है और गंदगी उसमें आप देख सकते हैं जी जी। अगर उस नाले को चैनलाइज कर दिया जाए जी और उस पर सड़क बना दी जाए जी तो हमारी पार्किंग की समस्या पूर्णतया खत्म हो जाएगी जी जी। और किसी को भी एम्बुलेंस की फैसिलिटी आराम से मिल सकती है, क्योंकि आम आदमी तो पैदल जा सकता है लेकिन जब कोई बीमार होता है तो रास्ते बहुत तंग हैं, जिससे एम्बुलेंस आने की समस्या बहुत होती है, और कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की को वहां पहुंचने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जी। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब आपने, आपकी प्रॉपर्टीज बड़ी जबरदस्त लग रही है और ऐसा अगर हो पाता तो निश्चित रूप से वार्ड नंबर 10 जो है एक आदर्श वार्ड के रूप में उभर कर आएगा। तो डॉक्टर साहब आप अपना चुनाव निशान वगैरह सीक्रेट वगैरह बताएं जी। मेरा जो चुनाव निशान है वो है लेटर बॉक्स, और अगर आप वोटिंग मशीन पर उसको देखेंगे तो वो 5वें नंबर पर आता है। तो मेरा सभी अपने वार्ड नंबर 10 जनता से अनुरोध है कि आप बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने मत का उपयोग करें और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए मुझे विजयी बनाएं।
धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप देवभूमि स्टूडियोज में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों,